सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेटेस्ट टेक न्यूज़ पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने कैनन 50mm लेंस की टेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने कैनन 50mm लेंस के फोकसिंग सिस्टम का टेस्ट, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना फास्ट इसका फोकस सिस्टम काम करता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ अपने कैनन 80D कैमरा के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये तीन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे मैं फोकसिंग सिस्टम को इसको चेक करके दिखाऊंगा कि कितना फास्ट इसका फोकस सिस्टम ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तीन फोकस करने के लिए मैंने तीन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। इन तीनों के ऊपर मैं आपको फोकस करके यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे ये मेरा कैमरा रखा हुआ है, इस कैमरा के ऊपर मैं आपको ये सारे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसकी फोकस टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं हम ये किस तरीके से इसका फोकसिंग सिस्टम काम करता है और कि ये कितना फास्ट है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, इतना फास्ट ये फोकस सिस्टम काम करता है इसका कैनन 50mm लेंस का कि आप जस्ट टच करिए और आपका इमीडिएट आपको फोकस मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इंस्टेंट फोकस आपका काम करता है। यहाँ पे कोई आपका हंटिंग नहीं कर रहा है आपका लेंस फोकस करने के लिए। ये जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ जिस भी पॉइंट पे, इमीडिएटली ये फोकस कर रही है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये फोकस सिस्टम फ्रेंड्स काम करता है, जो कि बहुत ही फास्ट है और काफ़ी स्मूथ है। मतलब बहुत इजीली ये आपका फोकस कर पा रहा है, बहुत इजीली ये इसको ट्रैक कर पा रहा है किसी भी सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैं जैसे ही टच कर रहा हूँ, इमीडिएटली ये उसको फोकस कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको ये इसका फोकस सिस्टम मिलता है कैनन 50mm लेंस का। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपना बहुत ही आसानी से, और इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी फोकसिंग को लेकर के, क्योंकि फोकसिंग इसकी बहुत फास्ट है और बहुत ही साइलेंट है, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ कैनन STM लेंस जो कि साइलेंट है। काफ़ी ज़्यादा मोटर इसकी जो है वो आपकी उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फोकस सिस्टम इसका बेहतर काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस लेंस को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है वीडियोग्राफी के लिए भी, क्योंकि इसमें आपकी लगी है STM मोटर, जिसको कि हम स्टेपिंग मोटर भी बोलते हैं। और कैनन की ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि आपकी STM मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है आपके फोकसिंग सिस्टम को लेकर के। और जब भी आपका जो लेंस है वो फोकस करता है, तो उसमें आपकी साउंड बहुत कम आती है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर साउंड आएगी, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस काफ़ी स्मूथ बनते हैं और उसमें कोई बीच में डिस्टर्बेंस या किसी भी तरह का कोई आपका अननेसेसरी साउंड नहीं आता है फोकसिंग सिस्टम का। तो जिसकी वजह से आप अच्छी फोटोग्राफी कर पाते हैं और अच्छी वीडियोग्राफी भी कर पाते हैं उसके साथ साथ। फ्रेंड्स, ये जो लेंस है ये मैंने परचेस किया है 8500 में। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस लेंस को परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बेस्ट लेंस माना जाता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। रीज़न ये है कि 50mm की जो फोकल लेंथ है वो बेस्ट मानी जाती है आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। दूसरी चीज़, क्योंकि इसका अपर्चर f1.8 है, जो कि काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से आपको इसमें बहुत अच्छा ब्लर इफेक्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका, क्योंकि f1.8 जो अपर्चर है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा लाइट आपके सेंसर तक पहुँचती है, जिसकी वजह से आप लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि आपका अपर्चर बड़ा है, ज़्यादा लाइट आपके सेंसर तक पहुंचती है, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फास्ट शटर स्पीड यूज़ करने में भी मदद मिलती है, जिससे आपकी फोटोग्राफ्स और भी शार्प हो जाती हैं और भी अच्छी हो जाती हैं। इसके अलावा अभी हम आगे देखते हैं इसके कुछ सैम्पल फोटोग्राफ्स, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा, और वहाँ पर आप देखिएगा इसकी क्वालिटी और इसकी जो मतलब परफॉर्मेंस है कितनी अच्छी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बाकी की सैम्पल फोटोग्राफ्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, इसी तरह के ट्रेंडिंग वीडियोस देखने के लिए और अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।